हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ खासतौर पे उन व्यूअर्स के लिए जो बहुत पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार से हम हिंदी में टाइप कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में चीजें हिंदी में कैसे लिखें हम, तो वो चीजें मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा गूगल इनपुट टूल्स, ये आपको डाउनलोड करना होगा, ये आपको रखना होगा और इसको एक्टिवेट रखना होगा। तो यहाँ से इस चीज को अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो हिंदी में भी लिख पाएंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से ये देखिए 2007 वर्जन है, कोई भी वर्जन हो। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कीजिए। ये इस तरह का सिनेरियो एक आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ व्यू पे जाइए और डिजाइन व्यू पे आ जाइए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सेस ही नाम दे देता हूँ इसको, तो ये दे दिया हमने एमएस एक्सेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हिंदी में आ रहा है एमएस एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे मसा गया तो इसको एम एस लिखना है हमें, तो एम एस एक्सेस, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये एम एस एक्सेस हिंदी में लिख रहा है। अब यहां पर आईडी आ रही है तो इसे मैं स्टूडेंट आईडी रख सकता हूँ या रोल नंबर रख सकता हूँ, तो यहाँ पे रोल नंबर रख दिया हमने रोल नंबर। तो देखिए हिंदी में लिख के आ रहा है रोल नंबर, देख रहे हैं। तो ये अगर काम करना है आपको तो गूगल इनपुट टूल्स को आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। अब इसको मैं नंबर रख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर छात्र का नाम, तो छात्र का नाम, तो ये देखिए हिंदी में लिख के आ रहा है जो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। और ये होगा टेक्स्ट डेटा टाइप। तो यहां से मैं अभी व्यू पे लेता हूँ इसको और यहां से ये देखिए रोल नंबर और छात्र का नाम आ चुका है। अब यहाँ पर रोल नंबर आप लिखिएगा, तो जो भी लिखिएगा, तो रोल नंबर लिख लिया आपने और छात्र का नाम, जैसे मान लीजिए रमेश नाम है छात्र का, तो यहाँ रमेश लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आप रमेश लिख करके आप दूसरी एंट्री करना चाहें तो दूसरी एंट्री करिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सुरेश लिखना है तो यहाँ सुरेश लिख लीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से करके आप एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे तीसरा 34 कर देता हूँ रोल नंबर और महेश कर देता हूँ, तो ये महेश लिखा हमने। तो इस तरह से हिंदी में आप लिख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी हिंदी में कैसे लिखना है। अब अगर आप इंग्लिश में यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, इसको यूएस कीबोर्ड में तब्दील कर लीजिए और यहाँ पे इंग्लिश में लिखिए आप 22, ठीक है। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखिए रानी RANI, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक कॉम्बिनेशन आप लिख पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 26, और देखिए फिर मैं हिंदी में लिखता हूँ, अब राधा लिखता हूँ राधा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने राधा। तो देखिए ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन लिख पा रहे हैं। अभी अगर आपको फिर हिंदी में लिखना है तो यहां से चेंज कर लीजिए, यहाँ पे हिंदी कर लीजिए आप, एक मिनट, ये जो है ना यहाँ से गूगल इनपुट टूल में जाके और इसको हिंदी कर लीजिए आप, यहाँ पे लिखिए 29, ठीक है, और यहाँ पे सुमित, तो ये देख सकते हैं सुमित हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, देख लीजिए आप। इस तरह से करके हम हिंदी में भी डेटाबेस बना सकते हैं बहुत ही इजीली। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, लेकिन आपके पास ये चीज होनी चाहिए, ये जो गूगल इनपुट टूल्स है ये होना चाहिए, इसको आपको इनेबल करना होगा, ठीक है।